कोशिश की हमने सुधारा ना गया हमसे तेरा काफिर तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकती तेनू तेरी याद नहीं उंगला स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो में PSS गेमर की। तो गाइस यार आज मौसम बड़ा ही मतलब बारिश वाला गरजता सा हो रहा है। तो यार मैं यार देखो ये रोड गाइस यार अपना प्राइवेट टाइप सी हो गई है। पहले यहाँ पे गाड़ियाँ व्हीकल्स बहुत गुजरते थे लेकिन अब गुजरना बंद हो गए हैं। सर वो सब आपसे डरते हैं। हाँ यार ऐसा भी समझ लो यार कुछ भी। एक सेकंड ये किसकी कॉल आ रही है? हाँ प्रेसिडेंट सर। अरे फ्रैंकलिन मेरे को ना तुमसे एक मीटिंग कर रखनी है। क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन कुछ ना क्राइम जो है ना कुछ क्राइम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है लोगों के यार मेरे को ना उसके बारे में डिस्कस करना है। सर तो वो मैं देख लूंगा ना। अरे फ्रैंकलिन नहीं यार मेरे को पर्सनली तुमसे मिलना है। तो अभी आऊँ क्या? हाँ फ्रैंकलिन आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है सर मैं अभी आता हूँ। हाँ फ्रैंकलिन जल्दी आओ। ओके सो गाइस यार अबे यार अब काम आ गया है। अब यार मैं क्या करूँ? फ्रैंकलिन सर आपको तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ यार ये बात तो है। चलो यार लेकिन शेंचन और चौप और ब्रूनो को कैसे मनाऊँ गाइस? इन लोगों को यार मैंने वादा किया था कि आज यार मैं इनको ताजमहल घुमाने के लिए ले जाऊँगा लेकिन यार मैं वादा नहीं। फ्रैंकलिन भाई रेडी रेडी रेडी? शेंचन भाई यार रेडी तो मैं बहुत अच्छे से हो गया था। अरे मतलब फिर? अबे तो लेकिन अभी प्रेसिडेंट की कॉल आई है कि यार मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर फ्रैंकलिन भैया, आप यार हमेशा ऐसे करते हो। अब आ सब यार ये गलत बात है फ्रैंकलिन, तू एंड टाइम पे बॉक्स में पैसे क्यों तोड़ दिया तूने यार? यार मैं क्या करूँ, प्रेसिडेंट ने यार बुलाया है। बात सब क्या काम है? बोला कि क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के लिए। बात सब यार वो तो खुद देख लेता ना। अब लेकिन वो ऐसे ही कर रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे फ्रैंकलिन भैया यार ये कौन सी बात हो गई यार, प्रेसिडेंट ने पर्सनली मिलने को बुलाया। फ्रैंकलिन भैया आप हमेशा ऐसे दिल तोड़ देते हो। आई एम रियली सॉरी शिनचैन। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अपने यार बैग तो ले लूँ शिनचैन। फ्रैंकलिन भैया ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत जाओ यार। शिनचैन जाना पड़ेगा भाई। उस यार कब से एक बकरा तक नहीं मिला है। अरे यार बकरा मिलेगा यार तुम चिंता मत करो। अरे अरे बॉस इस साइड से बहुत अमीर अमीर कोठियां बन रखी है यहाँ पे तो मतलब अमीर व्यक्ति आएंगे सर, जो भी आएगा उसको लूट लेंगे। अरे हाँ यार लूट लेंगे, ये बात तूने सही बोली। अरे अरे तो यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को खड़ी कर दो। अरे अरे हाँ यार इधर ही गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और जो भी आएगा पहला व्यक्ति उसको हम लूट लेंगे। अरे अरे भाई तो यार लूटने में तो यार अलग ही मजा आता है। और नहीं तो क्या यार, कौन इतना पैसा कमाए नौकरी करे ये करे, अरे लूट पाट में मजा है। मैंने अपना बैग भी ले लिया। अरे फ्रैंकलिन भाई यार ये कौन सी जाने की बात होती है यार, आप भी यार हद करते हो यार। अरे यार अब जाना पड़ेगा, मजबूरी आ गई है तो। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आप बहुत गंदे हो। अबे यार अब तू कुछ भी बोल। अब आप सब सिंचन अब तू भी समझ भाई यार, तू यार बच्चा नहीं है यार। तू कितनी बार यार फ्रैंकलिन को ऐसे एंड टाइम पे काम आ चुका है। अरे यार ठीक है आप जाओ फ्रैंकलिन भैया। जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ यार, ऐसे बोल करके उदास ही मतलब है सिंचन इतना उदास है यार, ऐसे छोड़ करके मन तो नहीं लग रहा है लेकिन यार जाना तो पड़ेगा ही गाइस। यार जल्दी से अपने BMW में बैठता और निकल पड़ता। बाय फ्रैंकलिन भैया। बाय शिनचैन भाई मैं जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया हमें भी ले जाते? नहीं भाई शिनचैन अब पर काम आ गया है ऐसा यार, अब मैं क्या करूँ यार, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है फ्रैंकलिन भैया जैसी आपकी मर्जी। ओके सो गाइस फ्रैंकलिन सर हम भी आ रहे हैं। बाय सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है यार, थोड़ा बहुत ही तो काम है, ऊपर से यार सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए थोड़ी चाहिए मुझे। ओके सो गाइस चलो यार मैं जल्दी से प्रेसिडेंट के पास पहुँचता हूँ यार। एंड टाइम पे प्रेसिडेंट भी यार ऐसे काम कर देता है कि जिसकी वजह से यार मुझे भुगतना पड़ता है। और वैसे चौपो यार थोड़ा समझ भी जाए लेकिन यार शिनचैन और ये ब्रूनो थोड़े नादान है यार, ये लोग समझते भी नहीं है यार कि यार को थोड़ी सी परेशानी है यार। परेशानी में वो भी क्या करें यार, परेशानी भी ऐसे टाइम पे खड़ी हो जाती है। साथियों हथियार तैयार हैं? अरे हाँ भाई हथियार तैयार है। जो भी पहला व्यक्ति आएगा उसको ही सब लूट लेंगे और ज्यादा बकवास करेगा तो उसको फूंक भी देंगे। हाँ हाँ सही बात है। अब यार लॉस सैंटोस के मौसम को भी पता नहीं है क्या हो गया भाई, जब चाहे बारिश हो जाएगी जब चाहे ये सब हो जाएगा। चलो यार अच्छी चीज़ है यार, गाड़ी यार हमारी कितनी ज्यादा धुल भी गई है और चमक भी बहुत तगड़ी तरीके से रही है। अब जल्दी से पहुँचता हूँ प्रेसिडेंट के पास यार। अब यार ये रास्ता तो बिल्कुल ही खाली है भाई यार ऐसे रास्ता। अरे अरे मुझे लग रहा है कोई बकरा आ रहा है। एक सेकंड ये कौन है एकदम से ये। अबे एक सेकंड, अबे ओए चुटकुटो हटोगे नहीं हटोगे सामने से। देखो दोस्तों बकरा आ गया, बैग भी लेकर के आया है। अबे क्या अबे बकरा बोल रहा है, अबे किसको बकरा बोल रहा है? तेरे को बकरा बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ मैं चिरकुट। ओए अगली बार तूने चिरकुट बोला ना बहुत बुरा पेल दिया जाएगा। अरे अरे चिरकुट चिरकुट चिरकुट, अबे निकल चिरकुट।
ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। तभी मैं यहाँ का लॉस सैंटोस का पुलिस ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा वाला। अरे जा जा काम कर अपना, पुलिस ऑफिसर की ऐसे कपड़े होते होंगे, पुलिस की वर्दी कहाँ है तेरी? ओहो अच्छा इनको वर्दी चाहिए, तूने मेरे को नॉर्मल पुलिस ऑफिसर समझाया क्या जो मैं वर्दी पहन करके घूमूंगा? अच्छा तो ऐसे तो राह चलते हर जैकेट वाले को मैं पुलिस ऑफिसर समझने लग जाऊँ। ब्रो यार फ्रैंकलिन भैया ऐसे क्यों करते हैं? बात सब तू समझने की कोशिश कर। अरे मैं कुछ नहीं समझ रहा, मेरे को सुनना ही नहीं है तुम्हें। बात सब सिंचा तू पागल ही हो गया क्या बिल्कुल ही? अरे यार चुपो यार, मैं क्या करूँ यार। भैया सही तो कह रहे हैं यार, चुपो ब्रो यार, ऐसे फ्रैंकलिन भैया ऐसे क्यों करते हैं टाइम पे? बात सब तू मजबूरी समझो यार थोड़ी देर व्यक्ति की। यार तुम लोग भी यार ऐसा हाइपर होने लग जाते हो, व्यक्ति की मजबूरी नहीं समझी जाती तुम लोगों को। अरे गाइस यार आप लोग ही मैं यार सपोर्ट कर दो यार प्लीज यार, वीडियो को लाइक करके प्लीज इस गेमिंग को सब्सक्राइब करके आप ही सपोर्ट कर दो। अबे यार इन लोगों ने तो मेरे को घेर लिया इसका मतलब। अरे चल चल जो भी है तेरे पास निकाल। बे ओ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ निकालूंगा। अगर तूने कुछ नहीं निकाला तो तेरे को ठोक दिया जाएगा। गाइस मुझे ना वार करना पड़ेगा इन लोगों पे। ओए कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा है? तेरे पे तो वार ही करना पड़ेगा। वार करेगा तू हम पे? और बोल रहा हूँ जो भी है निकाल दे। नहीं निकालूंगा, मेरे पास कुछ है भी नहीं, और रास्ते से हट जाए तो बहुत बुरी तरीके से ठोक दूंगा। अपनी पुलिस फोर्स को बुलाता हूँ। अबे जा बे चिरकट। मुझे अरे अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किससे बात करूँ? गाइस गाइस मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊँगा ऐसे तो, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ कोई फरिश्ता भेज दो, मैं मर जाऊँगा। अरे शिनचैन भाई तू ही आ जा, शिनचैन भाई तू ही आ जा यार, मैं मर जाऊँगा नहीं तो। अरे गाइस गाइस यार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे यार शिनचैन तक मेरी आवाज पहुँच जाए। इन लोगों ने तो मुझे मार डाला बहुत बुरी तरीके से। अरे गाइस मैं इनको नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं बच पाया तभी तो। गाइस आप लोग सपोर्ट करो प्लीज यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भगवान का कोई तो बंदा आ जाए जो मेरे को बचा पाएगा।
गाइस पता नहीं फ्रैंकलिन भैया अभी तक क्यों नहीं पहुंचे यार, कोई अनहोनी तो ना हो गई हो। बाबा सब सुनचा यार, अब डरा मत यार ऐसे बोल के। अरे अरे यार डराए कैसे, नहीं यार जो बात है वही तो है यार। चुप ब्रो आप भी क्या बात कर रहे हो। अरे अरे यार गाइस यार पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। गाइस यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत हो गई है और फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर होंगे फ्रैंकलिन भैया। बाबा सब मैंने फोन मिलाया बात तो फोन नहीं उठा रहा फ्रैंकलिन, फोन उठा ही नहीं रहा, अनरीचेबल आ रहा है गाइस यार अब क्या करें, फोन नहीं उठा रहे फ्रैंकलिन भैया हमारा भी। बाबा सब यार मतलब यार कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, ऐसा फ्रैंकलिन कभी नहीं करता। चप्पू ब्रो तुम सही कह रहे हो, यू आर टोटली राइट। बाबा सब अब राइट के चक्कर में भाई सब सिंचा जल्दी चल यार, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है भाई फ्रैंकलिन मेरा भाई कहाँ पे है। फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ आपको, शिंजन तू आ गया भाई, शिंजन तू आ गया, शिंजन जल्दी मेरे को हॉस्पिटल लेके चल, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। फ्रैंकलिन भैया आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा तो फ्रैंकलिन भाई तेरे को कुछ नहीं होने देगा, फ्रैंकलिन भाई तू जल्दी से गाड़ी पे बैठ यार। किसने किया फ्रैंकलिन भैया, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। शिंजन मैं तेरे को बाद में बता दूंगा, तू मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल। अरे अरे ठीक है मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूं, चुप ब्रो एम्बुलेंस बुलाते हैं। बाबा सब जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी चलते हैं। अरे अच्छे फ्रैंकलिन भैया को लेके चलते हैं। हाँ जी शिंजन सर, हाँ जी शिंजन सर। अरे जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को बैठाओ। फ्रैंकलिन सर आपको क्या हुआ। अरे पूछने का वक्त नहीं है, जल्दी लेके चल मर जाऊंगा मैं। अरे हाँ सर मैं लेके चलता हूँ, आपका स्पेशली मैं इलाज करूंगा। अरे यार तुम रुको यार, अब मैं इधर ले आया हूँ, ये देखो बीच का इलाका है, इस जगह पे कोई भी नहीं आ सकता। अरे बॉस आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो। अरे यार यहाँ पे कोई नहीं आएगा, अगर यार मेरा अड्डा पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर ही जो भी है यहाँ पर ही थोड़ी टाइम व्यतीत करो। सर मैंने फ्रैंकलिन सर को बिठा दिया। ऐसा करो आप ये वाली गाड़ी लेकर क्या हो। अरे अरे सर मतलब, अरे प्लीज यार आप ये वाली गाड़ी लेकर क्या हो। बात सब तू करने का वाला है, चुप तुम देखते जाओ बस। डॉक्टर। अरे अरे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किसे गए इस फ्रैंकलिन भैया तो अंदर गई, फ्रैंकलिन भैया को डॉक्टर लेके चले गए। सुनता तूने तो बिल्कुल ही अंदर बांट दी है। अरे चप्पू मैं ये डर गया था। बात सब ठीक है भाई, ठीक है जो भी है, तूने नुकसान भी कर दिया। अरे अरे हाँ डॉक्टर साहब। अरे अरे शिंजा सर आपने हॉस्पिटल का नुकसान भी कर दिया, नहीं भरपाई हो जाएगी लेकिन फ्रैंकलिन भैया ठीक तो हो जाएंगे ना। आपका आपके भैया का इलाज चल रहा है, देखो फ्रैंकलिन सर ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे बस उन्हें ठीक कर दो, आपने बस जल्दी लिया नहीं तो देरी कर देते थोड़ी सी भी तो वो फ्रैंकलिन सर को हम बचा नहीं पाते। अरे ठीक है थैंक यू सो मच। ओके सो गाइस फ्रैंकलिन भैया तो बच जाएंगे, आप लोगों की प्रे काम कर गई। बाबा सब सिंचर और नहीं तो क्या गाइस आ जाओ चप्पू और ब्रूनो बाहर आओ एक मिनट। बाबा सब सिंचर अब क्या करने वाला है। चप्पू ब्रो जिसने भी ये फ्रैंकलिन भैया के साथ किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बाबा सब छोड़ना कौन चाहता है। अरे अरे हाँ छोड़ना कौन चाहता है, अब यार उसको मारना ही पड़ेगा। बाप सब मतलब, अरे यार माइकल दद्दू को कॉल लगाता हूँ। हेलो माइकल भैया। हाँ सुचा बेटा। माइकल भैया प्लीज यार यहाँ पे ये पिल बॉक्स हिल मेडिकल सेंटर पे आ जाओगे। अरे अरे हाँ बेटा हॉस्पिटल में कैसे। फ्रैंकलिन भैया को ना कुछ गुंडों ने मार दिया बहुत बुरी तरीके से, आरपी पता नहीं किससे उड़ाया, फ्रैंकलिन भैया का आधा शरीर चल गया। फ्रैंकलिन भैया को अब हॉस्पिटल लेकर के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा बेटा जल्दी आ जाओ आप, अब हेल्प चाहिए। अरे बेटा मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। माइकल दद्दू आते ही होंगे चप्पू ब्रो, अब होगा घमासान युद्ध, माइकल दद्दू तो क्या ही कर देंगे, उनको पता भी नहीं है।
तो टू ब्रिलियंट एंट्री है एज ऑलवेज। माइकल दद्दू प्लीज फ्रैंकलिन का बदला ले लो। अरे अरे बेटा वो लोग है कहाँ पे? अरे अरे अभी मेरा ना एक फायर ब्रिगेड से बात हुई है, वो फायर ब्रिगेड वाले लोग ने देख लिया था पता है, वहाँ पे जब गाड़ी मांग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले आए थे और उनको पता चल गया कि ये कौन है। अरे अरे बेटा तो उनको पता ही क्या कि कहाँ पे है? अरे अरे हाँ उनकी लोकेशन ना वो गुंडों की लोकेशन वो बीच के पास बता रही है। चल बेटा चले। अरे हाँ जल्दी चलो जल्दी। अरे माइकल दद्दू ये गाड़ी कहाँ से ली? गाड़ी तो कहीं से भी ली हो लेकिन इसी गाड़ी से मारेगी उन्हें। अरे माइकल दद्दू मतलब? चल बेटा चल मेरे साथ, क्लिन की दिक्कत का बदला अब उनकी मौत से ही लिया जाएगा। माइकल दद्दू हाँ उनकी मौत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ अब मौत से ही फ्रैंकलिन का बदला निकलेगा। चलो बच्चों। अरे हाँ जल्दी चलो। साहब माइकल दद्दू आप जिस हिसाब से गाड़ी भगा रहे हो ना 300 की स्पीड पे, बात सब उस हिसाब से आपका गुस्सा बहुत बुरा भयंकर लग रहा है। फ्रैंकलिन भैया से भी ज्यादा भयंकर लग रहा है, अब तो मुझे डर लग रहा है। माइकल दद्दू थोड़ी हौले हौले चला लो। बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई के साथ ऐसा किसने किया? माइकल दद्दू किया होगा तो कोई बात नहीं, माइकल फ्रैंकलिन भैया ठीक होने वाले हैं, आप ऐसा मत करो, अब आपके गुस्से से हमें डर लगने लग गया। अरे माइकल दद्दू मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, बेचारे इस ब्रूनो बच्चे का ख्याल रखो। साइड की बता रही थी ये लोग मिल क्यों नहीं रहे? अरे पता नहीं अब कहाँ पे होंगे माइकल दद्दू, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा यार। माइकल दद्दू आप बुरी, माइकल दद्दू। अरे अरे हाँ माइकल दद्दू वो लोग वहाँ पे हैं। कहाँ पे? माइकल दद्दू वो आपको दिख ही रहे होंगे। अच्छा उस साइड चुपके बैठे हैं या चिरकुट? माइकल दद्दू प्लीज हौले 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 हौले, अब तो इनको पता चलेगा। यहाँ छुपके बैठे थे तुम लोग? अरे अरे तू कौन है भाई, तू कौन है? अरे तुमने जो जिसको मारा था ना उधर पुलिस ऑफिसर, उसका भाई हूँ मैं। अरे वो सही में पुलिस ऑफिसर था क्या? हाँ सही में पुलिस ऑफिसर था, पर उसने तो जैकेट पहनी थी। निकल जा तेरी ऐसे। अरे मैं तो मर गया, लग गई। फ्रैंकलिन भैया का बदला पूरा हो गया गाइस। अरे माइकल दद्दू ने तो कर दिया, माइकल दद्दू ने कर दिखाया। बात सब माइकल दद्दू आपकी गाड़ी ने क्या किया भाई साहब? ये पानी में भी चलती है क्या? ये गड्ढों में भी चलती है? ये किस किस पे नहीं चलती? अरे अरे बेटा अभी लेकर के आया था, अब जब इतनी दूर कंट्री से मंगाई है तो अच्छे काम तो करने पड़ेंगे ना, तो शुभ काम कर दिया, देख लग गए टीका। ये कोई टीका नहीं होता, खून होता है। बेटा मेरे हाँ तो ऐसे ही होता है, हम गैंगस्टर लोगों को तो यही खून ही टीका है हमारे लिए। अरे मत बोलो यार, आप ऐसे मत करो यार। अरे अरे बेटा ऐसा ही होता है। तो गाइस चलो यार माइकल दद्दू के लिए तो वीडियो को लाइक करो। तो गाइस चलो यार इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। हाँ गाइस इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हाँ गाइस बाय, टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।